एनरोलमेंट होने के बाद वो लोग आज के दिन उबर गाड़ियाँ चला रहे, ओला गाड़ियाँ चला रहे, स्विगी का डिलीवरी कर रहे। किस लिए कर रहे बोले तो वो लोग को सिक्योरिटी नहीं है, जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइफेंड नहीं है, कोई सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट को कुछ पैसे देता बोले तो पैसे नहीं देते। और तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करे बोले तो जीओ एम एस नंबर 160 में 1000 रुपीज़ पर मंथ बोल के 3 ईयर्स तक दे रहे। हम लोग डिमांड कर रहे हैं इसको 12000 रुपीज़ 5 ईयर्स तक करना बोल के डिमांड कर रहे हैं हम। जी जी सर, आप क्या कहेंगे? सर टुडे वी आर हियर टू प्रोटेक्ट एडवोकेट एक्ट, वी नीड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बिकॉज यू पीपल हैव बीन सीइंग इन दिल्ली व्हाट वाज हैपेंड, दैट देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर एडवोकेट। सो वी आर हियर टू फाइट फॉर पुअर पीपल एंड ट्राइबल्स, द सो मेनी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, सो वी नीड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल्सो 41A CRPC। एज माई फ्रेंड सेड, द जुडिशियल पावर शुड बी इन जुडिशियल ऑफिसर्स, नॉट इन। लोग तेलंगाना से यहाँ पे आए 41A CRPC को हटाना बोल के और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को ये पार्लियामेंट में कैसा तो भी अमेंड करना बोल के, इस पार्लियामेंट सेशन में कैसा तो भी इसको इंक्लूड करना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे। और इसके साथ ही साथ जूनियर एडवोकेट्स का स्टाइफेंड के लिए और हमारे तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन को 2016 में रिटायर्ड हुए, अभी तक चेयरमैन को अपॉइंट नहीं करे, वो भी अपॉइंट करना बोल के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन से भी मिले थे। और जुडिशियरी हाई जुडिशियरी में आर्टिकल 214 को अमेंड करना बोल के हमारा डिमांड है। ये पूरे डिमांड्स लेके जंतर मंतर पे आके और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके वो लोग को रिप्रेजेंटेशन देके हम आए हैं।